हेलो एवरीवन, मैं रेखा और मेरे यूट्यूब चैनल अपनी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चाट की रेसिपी लेकर आई हूं जो घर में हर किसी को पसंद आएगी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सब चाट चाट कर खाएंगे। और आलू टिक्की बहुत ही जल्द बनकर तैयार होगी। तो आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है और मिनटों में बन करके तैयार होगी। ये चाट स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही फेमस, सबकी फेवरेट रगड़ा चाट जो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इस रगड़ा चाट के साथ साथ आज मैं बनाऊंगी दो तरह की चटनी, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी और धनिया और पुदीने की चटनी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाट के साथ इन चटनियों को जब घर पर बना करके खाया जाता है तो स्वाद दुगना हो जाता है हमारी रगड़ा चाट का। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार सी इस रगड़ा चाट की रेसिपी को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट स्टाइल सबकी फेवरेट रगड़ा चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं ये छोटे वाले मटर, जो मार्केट में आपको कोई भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 200 ग्राम ये हरे वाले मटर आते हैं और ये सूखे वाले होते हैं वैसे, तो ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो 200 ग्राम टोटल मैंने ये मटर लिए हैं। इनको हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं और इनको एक से दो बार पानी से धो के अच्छे से कर लेते हैं साफ। तो मैंने इनको पहले ही धो के अच्छे से साफ कर लिया था और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको ओवरनाइट के लिए भी सोख कर सकते हैं पानी में। तो यहाँ पर मैंने इनको ज़्यादा पानी में नहीं भिगोया था, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इनको गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए ही भिगो के रख दिया था। तो अब हम इनको भीगने के लिए रख देते हैं, फिर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 3.5 घंटे ही हुए थे तभी मैंने इनको देख लिए थे। तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये भीग कर तैयार होंगे मटर वाले, हरी वाली मटर। ये पीली वाली होती है, वैसे सूखी ही होती है लेकिन जब ऐसे भीग जाती है पानी में तो अच्छी सी बड़ी बड़ी हो जाती है फूल के। तो अब हम इनमें प्रेशर कुकर में डाल के और इनमें सीटी लगवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ये मटर है इनको मैंने कुकर में डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। अब हम इसमें कुछ थोड़े से मसाले डाल देते हैं, जिसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। और ज़्यादा नमक हमें अभी इसमें नहीं डालना क्योंकि बाद में हम इसमें और नमक यूज डाल देंगे, तो आधा छोटा चम्मच ही हम अभी इसमें नमक डाल रहे हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि बहुत ही बढ़िया हमारी रगड़ा चाट का टेस्ट आएगा और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डाल दिया है अच्छे से। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसमें 3 से 4 सीटी लगवा लेते हैं। जब तक कुकर में सीटी लग रही है तब तक हम यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ली है इमली और इसको भी हम गर्म पानी में भिगोएंगे क्योंकि फटाफट हम इस चाट को बना रहे हैं, यहाँ टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फटाफट से बच्चों की डिमांड थी कि आज रगड़ा चाट बनाई जाए, तो इसी के लिए मैंने सारी चीज़ों में गर्म पानी यूज किया है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया था, जिससे कि इमली अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए और बढ़िया से इसका पानी निथर जाए। तो यहाँ पर इमली अच्छे से फूल गई है, गर्म पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो मैं इसको हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ और इमली को अच्छे से मैं पानी में सॉफ्ट हो जाएगी और पानी नीचे चला जाएगा, जो इसमें सीड्स वगैरह होते हैं वो निकल जाएंगे एक छलनी लेके। और एक मिक्सिंग बाउल में हम इसके पानी को निकाल लेंगे अच्छे से चम्मच से चलाते हुए, और एक बार हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे जिससे कि इसका पल्प है अच्छे से छन जाएगा छलनी में, और जो डंठल बीज वगैरह होते हैं वो इस छलनी के अंदर ही रह जाएंगे। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको अच्छे से छलनी में छान के और एक मिक्सिंग बाउल में इसको बढ़िया से छान के तैयार करना है। जो डंठल और सीड्स वगैरह होते हैं उसको हमें फेंक देना है, आप चाहो तो इनको कोई और काम में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पानी को तैयार कर लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने 3 छोटी छोटी जो गुड़ की बेली वगैरह होती है वो, उनको मैंने चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस में मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच घी। घी को हम बढ़िया से गर्म होने देते हैं। घी हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा,
जब जीरा अच्छे से चटकने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा जीरा काला पड़ने लग जाता है, तो हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया हमारी चटनी का टेस्ट आता है और चटनी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। डाइजेशन सिस्टम के लिए हींग बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम हींग डाल देते हैं। हींग भी अच्छे से पक चुकी है, तो अब हमने जो इमली का पल्प छान के रखा है उसको डाल देते हैं और बढ़िया से हम इसको पकाएंगे। थोड़ी सी धुआँ लगेंगी, मतलब थोड़ा सा छींटे वगैरह लगते हैं जब हम इमली का पल्प डालते हैं। बस 2 मिनट डाल के और इसको अच्छे से उबाल आने तक बढ़िया से हम इस पल्प को पकाएंगे, और जब इसमें अच्छा सा उबाल आएगा फिर हम फटाफट से आगे के स्टेप देंगे देखेंगे। तो फटाफट से हमें इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने तक इसका वेट करना है। इमली के पल्प में बढ़िया सा उबाल आ जाएगा तब हम आगे के स्टेप फटाफट से जो भी हमें सारी चीज़ें इसमें डालनी है हम डालेंगे। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको हमें फुल कर देना है जिससे कि अच्छा सा उबाल इसमें आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमली के पल्प में एक बढ़िया सा उबाल आ गया है और अच्छे से उबलने लग गया है पानी। तो अब हम इसमें जो गुड़ हमने कट करके रखा था उसको डाल देंगे मीठे के लिए, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं तो इसमें मीठे के लिए आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं और आधा गुड़ या आधा चीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने चीनी इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं की है, बस गुड़ से ही हम इस चटनी को बना रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो आप गुड़ की मात्रा कम करके और चीनी भी आप हाफ हाफ चीज़ें दोनों कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटनी बनती है। तो यहाँ पर मैंने चीनी यूज नहीं की है, बस गुड़ डाल के और इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स करके और बढ़िया से इसको पका लेंगे गुड़ को भी, क्योंकि चटनी अभी बहुत पतली है तो इसको हम अच्छे से गाढ़ी होने देंगे। जब ये गुड़ अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से मैश हो जाएगा, तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच प्लेन सादा नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे। आपके पास जो भी मसाले हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे सौंठ का पाउडर, अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप अदरक को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच प्लेन नमक और काला नमक, मैंने दोनों नमक ही इसमें डाल दिए हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है, तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने अभी इन सारी चीज़ों के साथ नहीं डाला है, मैं इसको लाल मिर्च के पाउडर को थोड़ा सा बाद में डालती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने ये लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है। अब मैं इसमें जो मस्कमेलन के सीड्स होते हैं वो डाल देती हूँ। मैंने आधा छोटा चम्मच लिए हैं मस्कमेलन के सीड्स, बहुत ही बढ़िया चटनी का टेस्ट आता है और चटनी खाने में अच्छी लगती है जब ये सीड्स डालते हैं तो। और डाइजेशन सिस्टम के लिए भी, हमारी पाचन क्रिया में ये बीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बहुत ही बढ़िया हमारी चटनी का टेस्ट आएगा और चटनी खाने में खट्टी मीठी और थोड़ी स्पाइसी रहेगी तो भी चटनी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो मैंने ज़्यादा नहीं, बस आधा छोटा चम्मच ही डाला है, कलर भी बढ़िया आ जाएगा इससे और टेस्ट भी बढ़िया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल के इसको बढ़िया से थोड़ा सा और पका लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे जिससे कि चटनी थोड़ी देर में और गाढ़ी हो जाएगी तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी, अच्छा टेस्ट आएगा। तो थोड़ा और उबाल आने देते हैं चटनी में। जब चटनी अच्छे से पक जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी में एक बहुत ही बढ़िया सा उबाल आ गया है और चटनी पहले से काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। और सर्दियों का मौसम है, वैसे थोड़ी देर के बाद रखी रहेगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सुपर ईजी चटनी बन करके तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, सारी चटनी को हम इस बाउल के अंदर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसी बर्तन में रख सकते हैं चटनी को। तो यहाँ पर सारी चटनी हमारी बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी चटनी बन करके तैयार हुई है। आप इस चटनी को दही बड़े, किसी भी रगड़ा पेटीज, कोई भी आप तरीके की पेटीज या फिर टिक्की वगैरह बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों में ये चटनी काम आएगी। तो चलिए फटाफट से इसको साइड में रख देते हैं, अब बना लेते हैं हरी वाली चटनी। इस हरी चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश हरा भरा धनिया। अब हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, धनिया को मैंने धो के अच्छे से कर लिया है साफ। अब हम मिक्सिंग बाउल लेके, सॉरी मिक्सी का ग्राइंडर जार लेके और इसमें धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा पुदीना डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच काला नमक,
आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे चाट मसाला, और यहाँ पर मैंने बारीक जो सेव वाली नमकीन आती है वो डाल दी है आधा छोटा चम्मच, और थोड़ी सी ही मैंने ये डाल दी है इसमें हरी वाली बिल्कुल बारीक वाली नमकीन, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और आधा छोटा चम्मच सादा नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल के ढक्कन बंद करके और इस चटनी को हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी चटनी बन करके तैयार हो गई है, और अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग हमारी चटनी बन करके तैयार है, सिर्फ 2 मिनट में ये चटनी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारे छोले भी उबल गए थे तो इनको हम देख लेते हैं, इनमें भी 3 सीटी आ चुकी थी तो अब हम इनको देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया से छोले पक चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी ये पक के रेडी है, तो फटाफट से हम इनमें लगाएंगे तड़का। तो छोले एकदम बढ़िया से उबल के रेडी हैं, आप इनमें ज़्यादा सीटी नहीं लगवाएं, बस 2 या 3 सीटी में छोले अच्छे से उबल के रेडी हो जाते हैं। अगर आप इनको ओवरनाइट के लिए सोक कर रहे हैं तो 1 या 2 सीटी ही लगेगी। तो अच्छे से छोले उबल गए, अब हम इनमें बढ़िया सा तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने गैस पर छोटा सा तड़का पैन रख दिया है, इसमें आधा छोटा चम्मच हमने इसमें डाला है घी। घी बढ़िया से गर्म हो गया तो आधा छोटा चम्मच जीरा डाल के, आधा छोटा चम्मच हींग डाल के बढ़िया से इनको पका लिया। इसमें हमने डाल दिया है गैस बंद करके आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर के लिए। अब हम फटाफट से हमारे जो छोले हैं मटर वाले उनमें हम तड़का लगा देते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं सारी चीज़ों को मिक्स। और ये लीजिए हमारे छोले बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हैं, मटर वाले छोले की सब्जी। आप इसे रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप कोई चाट बनाना चाहते हैं तो इस छोले मटर वाले छोले बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, खाने में कोई भी चाट हो सभी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है। इसको साइड में रख देते हैं, अब हम बना लेते हैं टिक्की। टिक्की के लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 आलू लिए थे, इनको मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था। और यहाँ पर अब हम इसमें मसाले डालेंगे, इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच चाट मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चुटकी भर इसमें काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने से पहले मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी लगभग 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर को हम एक छोटे चम्मच से बढ़िया से सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, हाथ से बढ़िया से मैश करना है, और हम इनकी छोटी छोटी सी टिक्की बना करके रेडी करेंगे। तो हाथ से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हम इनकी छोटी छोटी सी टिक्की बना करके तैयार करेंगे। तो फटाफट से हम इसकी एक टिक्की बना लेते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हमारी टिक्की बन करके तैयार हो जाएगी, थोड़ा सा हाथ से शेप देते हुए। और हम इनकी टिक्की बना करके तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तो ये देखिए मैंने हाथ से बहुत ही प्यारी सी टिक्की बना करके तैयार कर ली है, बिल्कुल भी फटाफट से बन जाती है, टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ही अच्छी टिक्की बन करके तैयार होती है। ये वाली टिक्की हमारी बन करके तैयार है, प्लेट में रख लेते हैं। फिर से हम एक टिक्की और बना लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली टिक्की भी हमारी जल्दी सी बन जाती है, बस थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए हमें इसको घुमाना है, और हथेली से थोड़ा सा इसको शेप देना है, बिल्कुल टिक्की की तरह जैसे मार्केट में मिलती है ना स्ट्रीट गलियों में, बस उसी तरह हमें इसको शेप देके। और ये देखिए हमारी दूसरी वाली टिक्की भी बन करके तैयार है, तो ये वाली टिक्की भी बन गई है, तो इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं, बाकी सारी टिक्कियों को इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर सारी आलू टिक्कियों को बहुत ही बढ़िया से बना करके और तैयार कर लिया है, अभी हम इनको फ्राई करेंगे तेल में। तो यहाँ पर सारी टिक्की मेरी बनके रेडी हैं, चलते हैं फिर से गैस की तरफ। गैस पर मैंने रख दिया है 1 छोटा सा पैन, इसमें मैंने थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, तेल बढ़िया से गर्म हो जाता है। तो हम इसमें एक एक करके सारी टिक्कियों को डाल देंगे, वैसे पूरी एक साथ नहीं डालनी, जितनी इसके अंदर आती हैं बस उतनी हम इसके अंदर डालेंगे। तो 6 से 7 टिक्की में एक बार में अच्छे से पका लूँगी, तो तेल में हमें इनको उलट पलट करते हुए दोनों तरफ से बढ़िया से पकाना है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए इनके अंदर। और थोड़ा थोड़ा से हमें आप चम्मच या फिर इसे पिचूला की मदद से इनको प्रेस करते हुए बढ़िया से पकाना है, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहना चाहिए इनके अंदर। तो मैं बीच बीच में इनको थोड़ा सा चेंज करती जा रही हूँ, जिससे कि दोनों तरफ से ये बढ़िया से सिके और कोई भी कच्चापन इनके अंदर नहीं रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मेरी टिक्कियाँ एकदम बहुत ही बढ़िया से पक रही हैं, बिल्कुल कोई भी कच्चापन की शिकायत इनके अंदर नहीं रहने वाली।
तो सबको इसी तरह हम सेक के और अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी टिक्की मेरी एकदम बढ़िया से सेक के तैयार है, बिल्कुल बहुत कम तेल में हमें इनको सेकना है, ज़्यादा तेल हमें इसमें नहीं डालना। और ये देखिए सारी टिक्की एक बढ़िया से सेक के तैयार हैं। तो एक बैच मैंने अभी डाला है, एक बैच को मैं बाद में सेक लूँगी इसी तरह। तो सबको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, आप देख सकते हैं कितने प्यारे सी ये लग रही है, मन कर रहा है वैसे ही खा लें। तो यहाँ पर अब हम इनको सर्विंग के लिए रेडी करते हैं। तो फटाफट से हमने एक प्लेट ली है सर्विंग के लिए, उसमें हमने जो मटर वाले छोले थे वो डाल लिए हैं। और अब हम ऊपर से एक एक करके इनमें टिक्की लगा देंगे, जैसे स्ट्रीट में लगाते हैं ना ठेले वाले, बस उसी तरह थोड़ा थोड़ा सा छोले मटर वाले छोले इसके ऊपर भी डाल देंगे। और हमने जो चटनी बना करके रखी थी थोड़ी थोड़ी करके हम इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे आपको मनपसंद से आप इसकी सर्विंग करना चाहते हैं बस उसी तरह आप इनकी सर्विंग कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल तरीके से इसकी सर्विंग की है, आप अपने मनचाहे आकार में इसको सर्विंग कर सकते हैं प्लेट की, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरी वाली चटनी जो हमने बना के तैयार की थी फटाफट से, जितनी आप खाते हैं बस उतनी डाल दीजिए इसके ऊपर एक छोटे वाले चम्मच से। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी को अच्छे से इनके ऊपर लगा दिया है टिक्की के ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लाल चटनी जो हमने इमली की खट्टी मीठी बना करके तैयार की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी को भी हम स्पून से थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं चारों तरफ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स ये वाली टिक्कियों में, और सबको घर में पसंद आती है चाहे छोटे हों चाहे बड़े। तो यहाँ पर मैंने चटनी लगा दी है, ऊपर से हम बारीक से वाली नमकीन लगा देंगे। और आपके ऊपर आपके पास जो भी कुछ सर्व करने के लिए हो इसके ऊपर टिक्की के ऊपर आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया टिक्की का टेस्ट आएगा और मज़ा आ जाएगा टिक्की को खाने में, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप एक बार बना करके इसे ट्राई करेंगे ना तो बार बार यही टिक्की खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी टिक्की को बहुत ही बढ़िया से सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सारी आलू टिक्की को इसी तरीके से बना करके तैयार किया है। यहाँ पर आप इसे आलू टिक्की बोल सकते हैं, रगड़ा चाट बोल सकते हैं, आलू चाट बोल सकते हैं, कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। तो सबको मैंने इसी तरीके से सर्व किया है, आप भी मेरी इस ट्रिक से एक बार ज़रूर इस रगड़ा चाट को बना करके तैयार कीजिएगा घर में, बना करके आप अपने परिवार वालों को ज़रूर खिलाइए, सब खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ पे तारीफ करेंगे कि भाई क्या बात है, आप भी एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छी टिक्की बना करके एक ही बार में तैयार करेंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे आज के वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और आपकी अपनी रसोई को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलूँगी ऐसी ही एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।